ने दूजे कहिंदे सी पंजाब दा रखवाला उन्हां दी राखी बारे भी दसांगे उन्होंने किहड़े किहड़े पंजाबियों की जेब की राखी की है। शुरुआत मैं करन लगे हाँ अज तीन टोल प्लाजे जिहड़े ने वो बंद हो रहे हैं। अज उन्हां दी म्याद पुग गई। आम तौर पर अज शाम नूं जिहड़ियां डिबेटां चलणगियां उहदे च ये दोने आउंदे आ कांग्रसी ते अकाली ते भाजपा वाले वो कहेंगे जदों म्याद ही पुग गई सी इहनूं बंद करन की लोड़ सी। ना मैं दसदा कि क्यों आना पिया। यह प्रोजेक्ट जिहड़े अज तीन बंद हो रहे ने एक माजरी आह जिहड़ा हैगा नंगल शहीदां ते मानगढ़ यह टोल प्लाजे अज बंद कर रहे हैं। हुण इन्हां दी मैं बैकग्राउंड दसदा कि कित्थों शुरू होए सीगे एग्रीमेंट किहदे नाल होया ते किन्ने च होया। 104.96 किलोमीटर सड़क का एग्रीमेंट है। लगभग 105 किलोमीटर कह लो। 123.64 करोड़ यानी कि 123.64 करोड़ रुपये का टोटल प्रोजेक्ट है जिदे चों पंजाब गौरमेंट ने 49.45 करोड़ रुपया सबसिडी दिती है। यानी कि 40% पैसा तो सरकार नहीं देता इन्हों पैसे इकट्ठे करन दा। लोगों तो पैसे इकट्ठे करन दी सबसिडी है जी 40%। एग्रीमेंट होया 6/12/2005 नूं। सरकार कैप्टन साहब दी सी, PWD मिनिस्टर अज कर LOP ने, उन्होंने घर में ही जाता रहा है। सब तो पहला तोहफा उन्होंने अपने आले पास ही दिता है प्रताप बाजवा जी। 6/12/2005 एग्रीमेंट होया तो कमर्शियल ऑपरेशन जिहड़ी इस प्लाजे की 6/3/2007 शुरू हो गई। यानी कि अगली गौरमेंट जिहड़ी है उतों पहला सत्त वाली गौरमेंट बनने तो पहला उन्होंने चला लिया। तो यदि एक्सपायरी सी 14/2/2023 अज का दिन। एग्रीमेंट के मुताबिक ये रोहन राजदीप टोलवेज लिमिटेड को एग्रीमेंट के मुताबिक पहली बार ओवरले करन दा पहला ओवरले यानी कि लुक पाउण दा पहला काम मार्च 2013 तक पूरा किया जाना सी जी। 5 मार्च 2013 तक पहली बार इस सड़क ते 104 किलोमीटर सड़क 5 किलोमीटर सड़क ते लुक पाउण दा काम पूरा करना सी एग्रीमेंट च लिखा होया। पर कंपनी ने 30/4/2015 तक पूरा किया। 786 दिन लेट हो गए जी। 786 दिन लेट हो गए तो 24.30 करोड़ रुपया जुर्माना बनता सी ते 37.30 करोड़ रुपये का इंट्रस्ट बनता सी। यानी कि लगभग 61.60 करोड़ रुपया जुर्माना बनता सी जिहड़ा कि राज नहीं सेवा वालिया ने माफ करता। तो एग्रीमेंट के विच एक क्लॉज पाया होया कि गौरमेंट जिहड़ी है तुसीं जिन्ना मर्जी एग्रीमेंट तोड़ लो गौरमेंट 6/12 लाख तो बद जुर्माना नहीं ला सकती जी। जिन्ना मर्जी तुसीं कर लो कपड़ा कपड़ा तुसीं क्या नोटिस भी दिता तां भी 6/12 लाख ही देणगे वो क्योंकि अपना लिखा हुआ है जी इस तों बद कर नहीं सकते। जिहड़ी दूजी ओवरले सी दूजी ओवरले उहदी डेट सी 5/3/2018 यानी कि 2013 दे विच जिहड़ी उन्होंने लुक नहीं पाई वो 15 तक पाई है। तो जिहड़ा ये एग्रीमेंट है 786 दिन देर वाला इस समय दौरान ना कोई जुर्माना किया गया ना ही एग्रीमेंट नूं टर्मीनेट करन दा कोई नोटिस दिता गया। जे नीयत सच्ची होंदी जे सच्ची मुच्ची राज नहीं सेवा करते होंदे तां ये टोल प्लाजा 5/3/2021 9/2013 बंद हो जाने चाहिए।
10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले, क्योंकि उन्होंने पहली बार एग्रीमेंट ही ब्रीच करता, 786 दिन लेट करती लुक पाउनी, टर्मीनेशन का नोटिस दे के, वो तो बाद दे टाइम दे के 21/9/2013 तक ये टोल प्लाजे बंद होने चाहिए सी। पर सुखबीर बादल होरी कहिंदे तुसीं लुट्टी जाओ साडे वाला हिस्से का पैसा, साडियां जेबां सुट्टी जाओ, लोगों को पता लगता। पहली अज जिहड़े शाम नूं डिबेटां डबूटां ते बहन के अकाली दल वाले वो नाल लेके आउण, दूजी बार लुक पाउण दा काम 5/3/2018 तक पूरा होना सी, जिहड़ा कि 9/11/2020 नूं होया, 979 दिन, 980 दिन ये लेट हो गया जी। ये दौरान कोई उन्होंने कनैक्शन जिहड़ा एग्रीमेंट नूं टर्मीनेशन करन दा कोई नोटिस नहीं कढ़िया, कोई जुर्माना नहीं लाया। जे किते उदों कर दिंदे तां 21/9/2018 नूं फिर दोबारा ये टोल प्लाजे बंद हो सकते सी। उदों कैप्टन की सरकार सी, वह कहिंदे आपां ही तां कीता है, चलण दिओ, लोगों नूं कहिड़ा पता लगता। यानी कि दो बार, एक बारी 2013 च, एक बारी 2018 च, टोल प्लाजे बंद हो सकते सी, कोई जुर्माना नहीं लाया गया, कोई टर्मीनेशन का नोटिस नहीं कढ़िया गया, चलण दिओ। 2019 दे विच रोहन राजदीप कंपनी ने अंडरटेकिंग दित्ती, लिख के दिता कि तीजी बार लुक पाउण दा काम असीं जनवरी 2023 च कर लांगे। जनवरी 2023, अज 14, अज 15 फरवरी 2023 हो गई, कल तक इहदा एक्सपायर होया, रात कल 12 बजे, अजे तक वह भी नहीं किया जी, टिल द एक्सपायरी डेट वह भी नहीं किया। अच्छा हुण की कहिंदे ने, हुण इन्ना कुछ करके हुण सानू कहिंदे ने, कहिंदे जी एक्सटेंशन दिओ, इह च हुण कोविड दे दिन दिओ जी, 101 दिन कोविड का वधाओ, एक्सटेंशन ऑफ फार्मर एजिटेशन, किसान की हड़ताल का अंदोलन का 432 दिन होर वधाओ जी, यानी कि 533 दिन मंग लिया जनाब सातों होर। असी क्या जो थोड़े डेट ही एक्सपायर होगी, तो 531 दिन 32 दिन कह दईए, कहिंदे जी पहला भी वधदे रहे हैं। जे अज मैं शर्त ला के कहना, जे इन दोनों चो कोई भी सरकार होंगी 533 दिन भी मिल जाते इन्हों, क्योंकि तो 10 साल पहला बंद होने चाहिए सी, दोबारा जोड़े दूजे है वो 5 साल पहला बंद हो जाने चाहिए सी। असी इन्हों कोई एक्सटेंशन नहीं दी, असी क्या भी चाबियां रात को 12 बजे सानू फड़ा जाओ इतने, तो ये रोहन राजदीप टोलवेज जी कंपनी है वो बार बार ब्रीच कर रही है, होर भी ने इन्हों पंजाब दे विच, वो बार बार जिहड़े समझौते ब्रीच कर रही है, असी उन्हां नूं नोटिस शो कॉज कढ़िया, क्यों ना तुहानूं असी ब्लैकलिस्ट कर दिए। इहदे नाल मैं हुण एक बारी दोबारा दस दिना, यह टोल प्लाजा, इहदी जिहड़ी 3 टोल प्लाजे ने, माजरी, नंगल शहीदां ते मानगढ़, 49,45,00,000 रुपया गौरमेंट ने दिता, टोटल 123 करोड़ दा जिहड़ा 123.64 करोड़ दा प्रोजेक्ट सी। एग्रीमेंट मुताबक पहली बार लोग इन्हां ने 5/3/2013 तक पाउणी सी, जिहड़ी नहीं पाई, जिहड़ी कि 30/4/2015 तक 786 दिन इन्हां ने वध लए, उहदा कोई इन्हां ने नोटिस नहीं कढ़िया, कोई टर्मीनेशन नोटिस नहीं कढ़िया। जे दिलों सच्चे होंदे ते पंजाब दे नाल इन्हां नूं प्यार हुंदा, पंजाबी लोकां दीआं जेबां नाल प्यार हुंदा, तां इह जिहड़ा टोल प्लाजा है उह, मेरे कोल कागज़ पए ने सारे, 21/9/2013 नूं बंद हो सकदे सी, पर नहीं कीते, क्योंकि उह सेवा कर रहे सी उस वेले, राज नहीं कर रहे सी। ते दूजी बार दूजी ओवरले सी 5/3/2018 नूं, जिहड़ी कि 9/11/2020 नूं कीती है, 979 दिन उच बद लै गए, उहदे विच वी कोई उहनां नूं टर्मीनेशन नोटिस नहीं, भी तुसीं ऐं क्यों कीता, ब्रीच क्यों कीता, तुसीं समझौता बहुत करोड़ां रुपया उह माफ़ करता जिहड़ा इहनां दा बणदा सी जुर्माने समेत। ते दूजी बार इह टोल प्लाजा जिहड़ा है 9/11/2020 नूं बंद हो सकदा सी, 21/9
21-9-2018 बंद हो सकता पर नहीं किया। हुण तक इन्होंने तीजी बार लुक भी नहीं पाई, अज असी इन्हें बंद कर रहे हैं तिने टोल प्लाजे नूं। और साढ़े तो हुण ये एक्सटेंशन मंगते सी, असी उन्होंने नहीं दिती, ते नाल नाल असी इन्हां नूं शो कॉज का नोटिस भेज रहे हैं कि तुसीं बार बार समझौते तोड़ रहे हैं, क्यों ना थोनू असी ब्लैकलिस्ट कर दिए। जे ब्लैकलिस्ट हो गए पूरे कंट्री दे विच इन्हां नूं किते सड़कां दे ठेके नहीं मिलणगे। सो हुण मैं जवाब मंगदा जनाब प्रताप बाजवा जी, जनाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, दूजे पासे परमिंदर ढींडसा जी ते सुखबीर बादल जी, क्योंकि उस वेले PWD मिनिस्टर परमिंदर ढींडसा जी। सो पंजाब दे लोकां दा एक दिन च 10,52,000 बचूगा जी अज तो, ये नोट कर लियो। सरदार पवार सिंह जी मान जिंदाबाद। एक 10,52,000 इन्हां तिना टोल प्लाजिआं तों लंघण वाले लोकां दा बचूगा, भावें उह पंजाब दे ने, भावें उह किते अगे किते जम्मू जा रहे ने, जां किते अपनी यात्रा ते जा रहे ने हिमाचल जा रहे ने। 10,52,000 पर डे दा नुकसान होया जी। 10 साल पहलां हो जाता जे कितें यह बंद, तो तुसीं हिसाब ला लो किन्ना पैसा बनता। सो इहदा जवाब लैंदा मैं कि अज यह किवें बंद हो गए। एक्सपायरी डेट का मतलब यह नहीं है कि बंद करते हैं, इन्हों आदत पई हुई है वधाउण दी, पर इन्हों यह नहीं पता सी कि 2022 दे विच लोकां दी सरकार आजू, लोकां दी आपदी सरकार आजू, इस करके लोग कोई एक्सटेंशन नहीं देणगे इन्हां नूं। बिल्कुल 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 जांच का विषय, गंभीर जांच का विषय के 2013 च किन्ना टोल प्लाजा लगता सी इत्थे। 2013 तो लैके 2023 होगी हुण तक इहदा किन्ना टोल दा रेट सीगा, किन्ना वध गया, तो टोटल किन्ने पैसे जिहड़े ने उह लोकां दी जेब चों कढ़ा ले गए ने, उह तां सारा इहनां दा बैंक रिकॉर्ड पिया सारा, ठीक है ना। तो किन्ना इहनां दा जुर्माना बणदा सी उहनां नूं ब्रीच करन दा, क्यों नहीं इहनां नूं टर्मीनेशन नोटिस जारी किया गया। PWD डिपार्टमेंट उस वेले कौन कौन सीगा, मिनिस्टर कौन सीगे, उहदे अफसर कौन सीगे, ये सारा जांच का विषय है, ये जांच होगी। बिल्कुल रिकवरी पावांगे जी। नहीं कल जुर्माने की नहीं जी, 10 साल पहला जो बंद हो जाता तो किन्ना पैसा बचता लोगों का। सेम हदायत ने जी, जिस दिन तुहाडी एक्सपायरी डेट खत्म होगी उस दिन अपना जुली बिस्तरा चको, असी कोई एक्सटेंशन नहीं देनी। कोर्ट च आना, कोर्ट च आ जाओ, कोर्ट च मिलेंगे, असी उत्थे अपना पक्ष रखांगे। पर जे तुसीं टर्मीनेट किए हुए ने पहला और रेगूलरली जिहड़े एग्रीमेंट ने टर्मीनेट किए हुए ने, दैन जिहड़े जुर्माने पैणगे जां पए सी जां क्यों नहीं पए, इहदे वास्ते जिहड़े भी बंदे जिम्मेवार ने उन्हां नूं सजावां मिलणी। तो तुसीं इस गल दी सर फिकर ना करो, असीं टोल प्लाजे वाले मुंडिआं नूं कोई भुखे नहीं मर दिंदे, पर ये 10,52,000 इन्हों तो नहीं देंगे ना, एक दिन का इन्हों की जिनी तनखा है, जो असी कितने अल्टरनेटिव इन्हों वास्ते नौकरियां पैदा करांगे, पर असी पंजाब दे लोकां दीआं जेबां नहीं लुट्टण देंगे। तो इस गल का मैं जवाब मंगूंगा सारे दोनों पार्टियां तो, जांच का भी विषय। सो बिल्कुल जांच करांगे 1 रुपये की। सर उही तां मैं कहना कि इन्हां ने कोई आपदा कलॉज तां पूरा कीता ही नहीं। 20 किलोमीटर दे रेडियस, कितें 10 किलोमीटर दे रेडियस दे विच जिन्ने आले दुआले पिंड आउंदे ने उन्हां दे पास बणदे ने, किन्ने क पास बणाए होणगे इन्हां ने, दस्सिया किसे नूं कि पास बणदे ने। एंबूलेंस एन परफेक्ट चाहीदी हैगी, इत्थें रिकवरी वैन चाहीदी है। सो एक जदों गौरमेंट ने हाथ बढ़ा रखे ने कि असीं तुहाडे नूं 6,12,00,000 तों बाद जुर्माना ही नहीं कर सकते, फिर दोबारा रह की गया जी। जदों अच्छा ऑलरेडी 124 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, 50 करोड़ गौरमेंट जी वो सबसिडी दे रही है, नाले तो 50 करोड़ रुपया दिता बनाने, नाले उन्होंने पैसे लैन वास्ते लवाती आ गुंडा परचिया, तो नंबर दो उन्होंने कहा इन्नी तरीक लुक पाउनी वो पाते नहीं, इन्नी तरीक दूजी बार लुक पानी नहीं पाते,
कोई जुर्माना नहीं, कोई उन्होंने यही नहीं है थोड़ा एग्रीमेंट असी कैंसल कर देंगे तू जाओ ना, क्योंकि आपस के रले हुए सी असी यही गल कहें कि लोगों के पैसे बचावे। हूँ तुम देखो ये कहेंदे सी ना अकाली दल कांग्रेस वाले कि आए कही जाते हैं आह गरंटी देती आह गरंटी दी, पैसे कितों आने पैसे इतों आने जी आ लीकेज बंद की है। मैं सिर्फ इन्ना कहूंगा जी 5 स्टार नहीं 7 स्टार है। थैंक यू।